गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन थर्ड तारोस रिवार्ड क्लास सिक्स का लेसन थर्ड है हमारा तारोस रिवार्ड तालुका प्राइस। लेसन में कुछ समझाने से के लिए मैं आपको इसकी समरी ब्रीफ में बताऊंगी, आप ध्यान से सुनो। तारो बादल लवली सन सन बट लवली सन व्हाई एवर कॉल हिम लवली बिकॉज हु वांटेड टू सर्व हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता की सेवा करना चाहता था सच्चे मन से। तारो जो करैक्टर है इस लेसन का, अ पुअर वुड कटर, वो क्या है, गरीब लकड़हारा है। लिव विद हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के साथ रहता है। ओना हिल साइड, एक पहाड़ी पर वो अपने माता पिता के साथ रहता है। चौक वुड, वो क्या काम करता है, वो लकड़ियों को काटने का काम करता है। बट डिड नॉट अर्न मच, परंतु क्या होता है कि वो ज्यादा नहीं कमा पाता है इस काम से। ए यंग बॉय नेम्ड तारो हु वांटेड टू सर्व हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की बहुत ज्यादा सेवा करना चाहता है, इस वजह से वो काम करता है। बट चौक वुड, लकड़ियों को काटने का काम करता है, बट क्या है, वो ज्यादा अर्न नहीं कर पाता। वन डे पेरेंट सिटिंग इन अ हट, एक दिन क्या होता है, उसके माता पिता हट में या झोपड़ी में बैठे होते हैं। स्मोक वेंट ब्लोइंग आउटसाइड, कि बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही होती है, और जो उनकी हट होती है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगी, बिल्कुल टूटी फूटी उसकी हट होती है। हट के बीच में नैरो गैप्स यानी क्रैक्स होते हैं, जिसके अंदर से जो स्मोक विंड है, जो ब्लोइंग आउटसाइड, जो बाहर बह रही है तेज हवा, वो उस दरारों के अंदर से हवा अंदर पास होती है। उनके पेरेंट्स को क्या है, बहुत उससे इरिटेशन, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। सडनली हिज फादर विश, जैसे ही उन्हें ठंड लगती है, उसके जो फादर है वो विश करते हैं, इच्छा करते हैं कि उसे एक ड्रिंक एक कप ऑफ शेक, कि उसे एक शेक का एक कप मिल जाए। शेक क्या है, एक जापानीज ड्रिंक है जो बॉडी को वार्म करता है। बट तारोस डिनो, बट परंतु परेशानी क्या है, ये बात सुनकर के तारो बहुत उदास हो जाता है। परेशानी क्या है कि जो ये शेक है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और तारो डी डोंट हैव इनफ मनी। और तारो जो लवली सन है, वो ओबीडियंट सन है, वो क्या है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स की विश को, अपने फादर की विश को वो पूरा कर सके। उसकी उसके फादर की क्या विश है कि वो शेप की वजह। तो अब वो क्या कर सकता है, क्या करेगा, ही डिसाइड टू वर्क हार्ड, उसने डिसाइड किया कि वो और ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा पैसा कमाएगा, और ज्यादा पैसा कमा करके अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फादर के लिए वो शेक लेकर के आएगा और अपने फादर की विश को वो पूरा करेगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वो जंगल में जाता है एंड वर्क हार्ड, और पहले से ही भी बहुत ज्यादा वो मेहनत करता है, यानी कि सूरज उगने से पहले, वो सनराइज होने से पहले जंगल में जाता है और वहां बहुत ज्यादा मेहनत है। लेकिन उसे ये पता है कि इस एरिया में कोई वाटरफॉल नहीं है, उसे बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देती है। वो वहां जाता है, वो देखता क्या है, वहां तो सच में एक वाटरफॉल है, और जब वो पानी, उसका वाटरफॉल का पानी पीता है, क्या होता है, बहुत सरप्राइजिंग, इट वाज अ शेक, द एक्सपेंसिव शेक। वो वाटरफॉल में पानी नहीं बह रहा होता है, उसमें वो शेक बह रहा होता है, जो वो वही शेक जो उसके फादर पीना चाहती है। तो वो क्या करता है, ही फिल द पिचर, वो अपने पिचर को, एक बर्तन को उसमें भर लेता है शेक को, एंड ही ओवर शेक हिज फादर, और वो अपने फादर को शेक कर करके देता है। क्या होता है, उसके फादर की विश थी, वो ये शेक पीना चाहता था, इतना एक्सपेंसिव शेक पीना चाहता था, और जब वो उसे मिल गया, अपनी पसंद की कोई चीज़ से अपनी कोई विश पूरी हो जाती है, अपनी पसंद की कोई चीज़ मिल जाती है, तो क्या होता है, बहुत मन में खुशी आ जाती है। तो क्या होता है, डांसिंग आफ्टर ड्रिंकिंग शेक, तारोस फादर डांसिंग इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, वो क्या है, मिडल ऑफ द फ्लोर यानी फर्श के बीच में अपने आंगन में जाकर के वो डांस करने लग जाता है, नाचने लग जाता है, क्योंकि उसकी विश पूरी हो गई, उसे शेक पीना था, उसे मिल गया। आगे क्या होता है, ए नेबर के, क्या होता है कि उसी आफ्टरनून एक नेबर उनके घर आती है, तारोस फादर ओवर हर एक कप, तारोस के जो पिताजी हैं वो उसको ऑफर करते हैं एक कप ऑफ शेक, उसको एक कप देते हैं शेक पीने का। तारोस आल्सो टोल्ड फादर, सॉरी, और
बता दूं उसको क्या है, उस वाटर मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी भी बता देता है कि ये मैं वहां से लाया, मुझे वहां मिला वाटरफॉल मिला, मैं वहां से ये शेप जो है लेकर के आया। पीपल गैदर्ड एंड हियर द स्टोरी, लोग क्या है वहां की बातें सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और वो इस कहानी को सुन लेते हैं। क्या हो सकता है जब इतना महंगा शेप अगर उन्हें फ्री में मिल रहा हो तो लोग क्या करेंगे, उसी तरफ दौड़ेंगे, वो चीज लेने के लिए भागेंगे। तो वही बात होती है, पीपल लोग जो है अपने अपने बर्तन लेकर के उस वॉटरफॉल की तरफ, जो तारू ने बताया जो वॉटरफॉल की कहानी उसने सुनाई कि मैं ये शेप वहां से लेके आया, तो लोग भी उस तरफ दौड़ने लग जाते हैं, दौड़ते हैं। वहां जाने के बाद वो क्या है अपने अपने बर्तन भरने लगते हैं। सडनली क्या होता है, एक उनमें से नेबर पी करके देखता है उस वाटरफॉल के को, पानी को ड्रिंक करता है, तो क्या होता है, वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। वो कहता है तारों ने तो हमें क्या है टिक्की हमारे साथ चार के लिए है, ये कोई शेप नहीं है, ये तो सिर्फ ऑर्डिनरी वाटर है, सिर्फ सिंपल पानी है, ये कोई जापानीज एक्सपेंसिव शेप नहीं है, ये सिर्फ पानी है। देवानंदपुरम तारों ये सब सुनकर तारों को मारने के लिए मारना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि तारों ने हमें धोखा दिया है, वो कहीं और से लेकर के आया है और हमें उसने मूर्ख बनाया है। तब वो चले जाते हैं, तारू वहां जाता है कि चेक करने के लिए कि वास्तव में ये ऑर्डिनरी वाटर है या शेक है। तो अगेन तारू ड्रिंक करता है तो उसे क्या मिलता है, वहां वही शेक मिलता है, वो पाता है कि ये ऑर्डिनरी वाटर नहीं है तो शेक है। इस कहानी को जो एम्परर है वो हियर करता है, सुनना, जब उसको पता चलता है इस कहानी के बारे में, तारू की बात के बारे में, तो वो उसको क्या है रिवार्ड देता है। क्यों रिवार्ड देता है, क्योंकि वो इतना अच्छा लगता था उसको रिवार्ड में मिला, उसको शेक मिला ना कि पानी, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या थी, वो अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहता था, वो अपने पेरेंट्स का ओबीडियंट था, एक लवली यंग बॉय था, वो अपने माता पिता की सेवा करना चाहता था, इसलिए क्या है वाटरफॉल ने भी उसको शेक दिया ना कि वाटर। जबकि अदर जो थे वो लालच में आकर के गए थे, तो उनको क्या है वाटरफॉल ने शेक ना देकर के पानी दिया और तारों को क्या दिया, शेक दिया। तो बेटा लेसन बेस्ड की समरी मैंने आपको बताई और लेसन पर ही बेस्ड है आपके वर्ड मीनिंग, आप ध्यान से देखेंगे। चॉप कट इनटू पीसेस, पीसेस मतलब टुकड़ों में काटना, क्रैक्स मैंने समरी में भी आपको बताया, नैरो गैप, शेक अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, जापान की ये कहानी है तो वहां का ये पॉपुलर ड्रिंक है जो एक्सपेंसिव भी है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग एक्सपेंसिव, कॉस्टली, महंगा, डिलीशियस, वेरी टेस्टी, पिक्चर, पोर्ट। थैंक यू।